हेलो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों से ही संबंधित है। जो बीएड और डीएलएड, सॉरी दोस्तों डीएलएड नहीं, जो बीएड किए हुए हैं, जो एसटीईटी की परीक्षा के इंतज़ार में हैं, उनके इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर रजनीश कुमार के माध्यम से बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इनका जो न्यूज़ रहता है वह लगभग लगभग सही रहता है, सारी जानकारी सटीक रहती है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं, रजनी सर के माध्यम से बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 20 मई के बाद होगी एसटीईटी की परीक्षा। एसटीईटी की परीक्षा जो है 20 मई के बाद होगी, जिसको बहुत दिनों से इंतज़ार था। कितना बार उसका डमी एडमिट कार्ड निकला, ठीक है दोस्तों, अब फाइनल एडमिट कार्ड आएगा और परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार, चुनाव की वजह से परीक्षा में हो रही देरी, मई के आखिरी सप्ताह तक हर हाल में परीक्षा लेने का लक्ष्य। परीक्षा में कुल 6 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, ठीक है दोस्तों, परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी होंगे, 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। रजनीश कुमार जी का यह कहना है, रजनीश कुमार जी को सूत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है। जून महीने में जारी होगा रिजल्ट, परीक्षा में सफल अभ्यर्थी TRE 4 में हो सकेंगे शामिल। यह सारी जो प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होगी सिर्फ इसलिए क्योंकि TRE 4 जो आने वाला है, बिहार शिक्षक बहाली का चौथा चरण जो आने वाला है, वह अगस्त में 24 अगस्त को परीक्षा भी आयोजित करना, इसका अर्थ है कि जुलाई में ही फॉर्म आ जाएगा। नए अभ्यर्थियों को भी सितंबर में फिर मिलेगा मौका, और नए अभ्यर्थी जो एसटीईटी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी सितंबर में दूसरे चरण की एसटीईटी परीक्षा होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी की बहुत बड़ी बिग अपडेट के साथ आप लोग को जो जानकारी मिल रही थी वह जानकारी देने का काम किए हैं। थैंक्स दोस्तों।